અને વાત કરીશું અમિત શાહના ગુજરાત પ્રવાસની। अमदावाद में अमित शाह ने शालाओं की स्मार्ट भेट। जी हाँ, चार जेटली अनुपम शालाओं विद्यार्थी माटे खुली मुकाई है। अंदाजित 10 करोड़ खर्चे तैयार कराई है शालाओं। कांग्रेस प्राथमिक शिक्षण की दशा बगाड़ी होवानू शाहनू निवेदन है। कांग्रेस शासन में 37% ड्रॉपआउट रेशियो, हाल प्रधानमंत्री मोदी ड्रॉपआउट रेशियो 0 कर्यो छे तेवू पण कहेवू छे। आभार मानु छू कि चार अनुपम शालाओ मारा मत विस्तार नी अंदर 9.5 करोड़ ना खर्चे खोली मारा मत क्षेत्र ना बाळकों ने नवी शिक्षण नीति, राष्ट्रीय शिक्षण नीति ना अनुरूप भणतर मले ए प्रमाणे नी व्यवस्था करी छे। अने एक केवा लोको होय के 5 महीना पहला नवा लेगो जब्बो सीवड़ाई लोगों नी वच्चे आई वचनों नी लाणी करवारा लोको 37% ड्रॉपआउट रेशियो तो 100 बाळको दाखलो लेता था 37 बाळको 7मा पहला भणवानू छोड़ी देता था अने 100 बाळको जन्म लेता था एमाथी केवल 67 बाळको ज दाखलो लेता था। एक दृष्टि थी जोवा जाइए तो केवल 40% बाळको प्राथमिक शिक्षण मेळवता था, पूर्व प्राथमिक शिक्षण। समग्र गुजरात नी अंदर धोम धकता ताप नी अंदर प्रवेश उत्सव उजव्या, मुख्यमंत्री थी लई तलाटी सुधी दरेक अधिकारी प्राथमिक शाला में गयो, घरे घरे थी बाळको ने लाया, जन जागृति फैलाई अने जे एनरोलमेंट नो रेशियो तो 100% एनरोलमेंट आखा भारत में सौथी पहला आपड़ा गुजरात में कर्यू। 100% बाळको शाला में जाए एवी शुरुआत करी। ऑल इंडिया प्रिजन ड्यूटी मीट नो प्रारंभ थयो छे। अमित शाह ना अध्यक्ष स्थाने कार्यक्रम नो आयोजन करायो। 3 दिवसीय 6ठी ऑल इंडिया प्रिजन ड्यूटी मीट एका क्लब ट्रांस टेडिया खाते मीट नु आयोजन करायु। कार्यक्रम में सीएम, गृह राज्य मंत्री उपस्थित रहा तो 15 वर्ष बाद गुजरात ने यजमान पद प्राप्त थयु। तीन दिन तक ये मीट यहां पर चलने वाली है और यहां पर विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ जब आप 3 दिन यहां पर रहेंगे और यहाँ पर एक दूसरे की सक्सेस स्टोरी का एक्सचेंज करेंगे तो मुझे लगता है जेल प्रशासन को भी आने वाले दिनों में बहुत फायदा होने वाला है। और मैं मानता हूँ कि जेल प्रशासन भी देश की आंतरिक सुरक्षा का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जेल प्रशासन को हम अनदेखी नहीं कर सकते और जेल को जिस दृष्टि से समाज में देखा जाता है उस दृष्टि को भी बदलने की जरूरत है। जो स्वभावगत क्रिमिनल नहीं है, जो बॉर्न क्रिमिनल नहीं है और जो आदतन क्रिमिनल नहीं है, वो सारे कैदियों को समाज में पुनः प्रस्तापित करने के लिए जेल एक माध्यम बनना चाहिए, कारागार एक माध्यम बनना चाहिए और जेल प्रशासन इस दिशा में जाना चाहिए। जो जिनको सजा होती है इसमें से 90% कैदी ऐसे होते हैं जिनका समाज में पुनर्वसन बहुत महत्वपूर्ण होता है।